वेलकम जी, डॉक्टर रिजवान अख्तर, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट किस्म का केस सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता हो कि दमे की तरह की किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं और मिस मैनेज होते हैं। अच्छा, कल की बात है कि एक पेशेंट तकरीबन 30-35 साल उसकी एज थी, अली मेडिकल सेंटर एफेट में मेरे पास आया। मसला उसका ये चल रहा था कि पिछले 5-6 दिनों से ना उसको सांस बहुत तेज़ आ रहा था। अच्छा, हिस्ट्री में और कोई भी नहीं था, कोई शुगर, बीपी या कोई और किसी किस्म की बीमारी नहीं थी। ड्राइवर था वो प्रोफेशन के हिसाब से। अच्छा, उसने 2-3 पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया जिन्होंने उसको ये जो आपके कैप्सूल नमा इन्हेलर्स मिलते हैं उसके ऊपर डाला हुआ था। कुछ ने स्टीराइड भी लगाए हुए थे। फिर वो अभी भी सुबह एक सरकारी अस्पताल में दाखिल था और वहाँ से वो निकल के इधर चेक कराने आया कि मेरा सांस बेहतर नहीं हो रहा है, भाप भी चल रही है, नेबलाइजेशन भी हो रही हैं, स्टीराइड के इंजेक्शन भी जा रहे हैं। वो दूसरी सारी मल्टीपल दवाइयां ले रहा था, एक्सरे किया हुआ था, एक्सरे के अंदर एक ओल्ड सा पॉजिटिव फाइब्रोसिस वाला छोटा सा पैच था और कुछ भी नहीं था। CBC वगैरह उसकी रिपोर्ट ठीक थी। अच्छा, जब उसकी हिस्ट्री ली तो वो वाकई वहाँ पर बैठ के भी हाइपर वेंटिलेट करा था। हाइपर वेंटिलेट से मुराद होता है कि बड़ी लंबी और गहरी सांसों से सांस उसको आ रहा था, उसको लगता था कि उसको सांस नहीं आ रहा। अच्छा, जब भी इस तरह का पेशेंट आए तो मैंने उसका पुराना रिकॉर्ड देखा तो कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट ने और पल्मोनोलॉजिस्ट वगैरह ने उसको देखा हुआ था और उन्होंने उसको हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम वगैरह लेबल किया हुआ था, किसी ने उसको ब्रोंकियल अस्थमा लेबल किया हुआ था। तो जब मैंने उसको देखा तो ऐसा सर, जब भी पेशेंट आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ये एक रग में से निकाल के टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि बाकी ये हाइपर वेंटिलेट कर रहा है और हाइपर वेंटिलेट की कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है। हाइपर वेंटिलेशन कई वजूहत से होती है, तो उसमें से ऑर्गेनिक का से मुराद है जिसकी कोई बीमारी हो और उसका इलाज किया जाए। जब उसकी ABGs या आर्टीरियल ब्लड गैसेज जिसको हम कहते हैं उसको जब नीचे इमरजेंसी से करवाया गया तो उसकी पिक्चर आई सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अच्छा, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये है कि ये हाइपर वेंटिलेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से, और फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह भी होती है। अच्छा, उसको फ़ौरन से देखने के बाद हमने HDU में दाखिल कर दिया मैंने। अच्छा, HDU में दाखिल करने के बाद जब उसके टेस्ट कराए तो पता चला उसके BSR बहुत हाई आ रही है, उसकी यूरिन कीटोन्स कराई पॉजिटिव थी, उसके ब्लड सीरम में कीटोन्स कराई पॉजिटिव थी, बाइकार्बोनेट ना होने के बराबर था। तो इट वाज ए प्योर केस ऑफ DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और वो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ के साथ चल रहा था। और जब वो अब डीकम्पनसेट हुआ, DKA के साथ आया, तो उसको स्टीराइड, अस्थमा और वो चीज़ें करके ट्रीटमेंट दी जा रही थी। अभी माशाल्लाह पेशेंट बहुत बेहतर है, जब उसकी लाइन पे चला है सच, वो ऑक्सीजन भी, हाइपर वेंटिलेशन भी उसकी बेहतर हो गई है, ABGs भी उसकी बेहतर हो रही हैं, बाकी रिपोर्ट्स भी बेहतर हो रही हैं। तो हमेशा याद रखना कि हर सांस फूलना दमा नहीं होता। बाज़ इस तरह की बीमारियां हैं जिस तरह DKA मैंने बता दिया, रीनल फेलियर के पेशेंट्स आते हैं फर्स्ट टाइम, AKI जिनको एक्यूट किडनी इंजरी होती है, उनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, वो आते हैं। कोई भी काज जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है वो इस तरह से हाइपर वेंटिलेशन में आ सकती है। कुछ अल्कोहल है, शराब पीते हैं लोग ज़्यादा पी के आ जाए, उससे भी हो जाती है। कुछ दवाइयाँ हैं उनसे भी होती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं और उनसे भी होती है। फिर इसी तरह से एक कंडीशन होती है जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, आपके थायराइड हार्मोन लेवल्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, उससे भी पेशेंट के हाइपर वेंटिलेशन करके आ जाते हैं। प्रेगनेंसी हमल के पेशेंट हमल में हाइपर वेंटिलेट करके आ जाते हैं। तो हर एक की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो बीमारी चल रही होती है, और उसको तशखीस करना चाहिए। और उसमें सिर्फ एक आप आर्टीरियल ब्लड गैसेस करा लें तो बहुत सी बीमारियाँ आप उसकी सिर्फ इस टेस्ट के ऊपर रोल आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।